सॉल्युबिलिटी एंड अपर लिमिट ऑफ सॉल्यूट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एकेडमिक्स प्रोवाइडेड बाय मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट इज़ द अपर लिमिट पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली अ फिजिकल प्रॉपर्टी और अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। व्हेन यू डिसॉल्व टू केमिकल्स इन ईच अदर, तो इनके आयंस एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होते हैं और इस चेंज को कहा जाता है केमिकल सॉल्युबिलिटी, कि वो केमिकली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। अगर आप सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखें तो सॉल्युबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इस एबिलिटी को सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की एबिलिटी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। अगर आप केमिकल डिसोल्यूशन देखें तो केमिकल डिसोल्यूशन इज़ बेसिकली इज़ आ मिक्सिंग और इज़ आ डिसोल्यूशन। डिसॉल्व होना एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर इज़ नोन एज केमिकल डिसोल्यूशन। केमिकल डिसोल्यूशन में आप देखेंगे एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल में क्या हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैटर के कितने स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखने वाले पार्टिकल्स हैं। इनके दरमियान फोर्सेस क्यों स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स हैं, जिस मटेरियल के ये बने हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ स्टिक है, जुड़ा हुआ है, सख्त है। वो क्यों स्टिक है, क्योंकि उसके दरमियान, उन पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। उन फोर्सेज की वजह से वो पार्टिकल अच्छी तरह से बाइंड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड है। उसके बाद अगर सॉल्वेंट को देखते हैं, तो सॉल्वेंट एज अ लिक्विड सॉलिड की निस्बत थोड़ा सा कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखता है। उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट मीन्स दैट कि उसके अंदर कुछ स्पेसेस हैं, कुछ फ्रीली स्पेसेस हैं कि कोई और सब्सटेंस आ सकता है और उसके अंदर रिजाइड कर सकता है। सॉल्यूट के अंदर हमने क्या देखा कि फर्दर स्पेसेस ही नहीं है। जो इसके पार्टिकल्स, जो इसका मटेरियल है, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बाइंड है, खुद सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उनके अंदर फ्री स्पेसेस एग्जिस्ट कर रही है। उन फ्री स्पेसेस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स आके रिजाइड कर सकते हैं। जब आप सॉल्यूट को कुछ अमाउंट उठाते हैं और उसको सॉल्वेंट के अंदर एडअप करते हैं, तो वो जो फ्री स्पेसेस होती हैं वो उस मॉलिक्यूल को या उस सब्सटेंस को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर लेती हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट रिमेन अनडिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो जो अनडिसॉल्व्ड रिमेन्स रह जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, उस पॉइंट को या उस अमाउंट को कहा जाता है अपर लिमिट ऑफ अ सॉल्यूट। अपर लिमिट ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है उसके अंदर फ्री स्पेसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, उन स्पेसेस के अंदर आके सॉल्यूट रिजाइड करता है। जब वो स्पेसेस ख़त्म हो जाती हैं तो सॉल्यूट सॉलिड की फॉर्म में बॉटम में बैठना स्टार्ट कर जाता है। उस अमाउंट को कहा जाता है अपर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूट। इसके बाद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स देखते हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स में आप देखेंगे जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बना रही है। इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर आप फर्दर सॉल्यूट को एडअप कर सकते हैं, या फिर जो सॉल्यूट है वो लेसर अमाउंट में था तो सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड रह गया, इसके अंदर मजीद सॉल्यूट को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट आप जो डायग्राम देख रहे हैं, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब, वो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन की। इसके अंदर आप एक क्यूब को पड़ा हुआ देख रहे हैं, आप इसको डिसॉल्व करेंगे, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट क्यूब्स को जो उसके अंदर वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसको, अगर आपने इसको भी डिसॉल्व करवाना है, इन 3 क्यूब्स को भी आपने डिसॉल्व करवाना है, तो या तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से वो इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं सॉल्युबिलिटी के और 3 डिफरेंट लेवल्स हैं सॉल्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
फैक्टर, उन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो सोलबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।